ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 14, ठीक है, इसके डाउट्स लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है, पहला 6 क्वेश्चन ये रहा। इसके अंदर जरूरी नहीं है कि व्हीटस्टोन ब्रिज रोम्बस ही दिखे, ऐसा भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, सी 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 बीच में सी, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, सी अपॉन सी इज सी बाय सी, तो इसको उड़ा दो। नीचे भी देखो सी बाय सी, सी बाय सी, इसको उड़ा दो। तो अब आप ये वर्टिकल वाले उड़ गए, तो क्या बचा, सी और सी सीरीज में सी बाय टू, सी और सी सीरीज में सी बाय टू, सी का सी, सी और सी सीरीज में सी बाय टू, और सी सीरीज में सी बाय टू, ये सब किस में कनेक्टेड है, पैरेलल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, इसको, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज 5 का बना होता है, कॉम्बिनेशन का, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अगर मैं इसे लेता हूं 1 2 3 4 5, तो प्रॉब्लम व्हीटस्टोन ब्रिज बना नहीं है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज का कनेक्शन ऐसा अलग बना हुआ है, देखो ये पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज इसलिए नहीं है बिकॉज बीच में ऐसा जंक्शन आ रहा है, और ये बीच में कनेक्टेड नहीं है इसे, ये हॉरिजॉन्टल कनेक्टेड है, इसको वर्टिकल होना था। ठीक, 6 के बाद क्वेश्चन नंबर और 10th में डाउट, 10th के अंदर टू कंडेंसर्स ऑफ कैपेसिटी C1 C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, चार्ज Q इज गिवन टू देम, रेशियो ऑफ चार्ज क्या होगा, तो चार्ज Q1 क्या, क्योंकि पैरेलल में V सेम रहता है, तो Q1 इज इक्वल टू C1 V, Q2 इज इक्वल टू C2 V, डिवाइड करेंगे आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16th में स्लैब ऑफ कॉपर, कॉपर एक कंडक्टर है, एक कंडक्टिंग स्लैब को जिसकी थिकनेस d बाय 2 है, इंसर्ट किया बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, जब सेपरेशन d है, रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस आफ्टर एंड बिफोर क्या होगी, बिफोर कैपेसिटी क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट a बाय d, आफ्टर क्या होती है कंडक्टिंग प्लेट में, एप्सिलॉन नॉट a बाय d माइनस t, और t इस क्वेश्चन में कितना गिवन है, d बाय 2, तो कंडक्टिंग स्लैब का फॉर्मूला आपने लिखा था फॉर्मूला बुकलेट में, तो कंडक्टिंग स्लैब डाली, तो ये फॉर्मूला, डिवाइड करो आंसर 18, ठीक सुनना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 में अब तो हो गया, ये कह रहा है 3 पैरेलल प्लेट्स हैं, ये 1 2 3, तो D1 सेपरेशन है फर्स्ट एंड सेकंड में, और D2 सेपरेशन है सेकंड थर्ड में, तो आपको इसमें नेट कैपेसिटेंस निकालना है, सीरीज का फॉर्मूला है, ये किया नहीं था हमने पहले ना, इसके अलावा ठीक है। शीट नंबर 14 के बाद शीट नंबर 15, शीट नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर 1, देखो 1 के अंदर आपको क्या करना है कि जहां अर्थ है वहां पोटेंशियल जीरो कर देना है बस, तो आपको 3 चार्जेस गिवन है, यहां पे पोटेंशियल जीरो करो, तो Q1 Q2 Q3 तीनों यहां पर पोटेंशियल लगाएंगे और इक्वल टू जीरो, फिर यहां पे जीरो करो Q1 Q2 Q3 यहां पर भी पोटेंशियल लगाएंगे, तो इसको भी जीरो करो, फिर हिट एंड ट्रायल है, जैसे इसको अगर आप करते हो या इसको करते हो, इसको सॉल्व करके आंसर आता है Q1 या इसको सॉल्व करके, ये एक इक्वेशंस कुछ ऐसी आती हैं जिसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन करेक्ट कौन सी रॉन्ग। तो इसके अंदर जैसे जो टोटल चार्ज है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 वो कह रहे हैं जीरो आ रहा है, मुझे पता नहीं, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, इसको एलसीएम आर को उड़ा के आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि क्या क्या इसमें कंडीशन सही आ रही है, क्या क्या सही नहीं आ रही, तो 3 इनकरेक्ट आ रही है और बाकी 1 करेक्ट आएगी, लेकिन इक्वेशन 2 ही बनेंगी, 1 और 2, बस इन्हीं में से आंसर मार्क करना है। तो जहां अर्थिंग होगी वहां पोटेंशियल को क्या करना है, जीरो, और शेल के पोटेंशियल आपको निकालने आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, 2 में कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर इज इंक्रीज्ड n टाइम्स व्हेन इट इज एनक्लोज्ड बाय अर्थ कंसेंट्रिक स्फीयर, आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटी क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1, अब इस r1 के बाहर एक और r2 लगा दिया, तो एक शेल वाला कैपेसिटर बन गया जिसकी कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला हमने किया था, कह रहा है ऐसा करने से c2 की कैपेसिटी पहले से n टाइम्स हो गई, तो C2 is equal to N into C1, C2 पुट करो, C1 पुट करो,
सॉल्व करो आर टू आर वन की रेशियो आएगी, राइट? इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सब कैंसिल करना पड़ेगा, तो यहां से रेसिप्रोकल भी ले सकते हो, आर वन माइनस आर टू ऊपर आएगा, आर वन नीचे, इसको भी ले लेना, ताकि आर वन और आर टू की रेशियो निकालनी आपके लिए ईजी हो जाए, रेसिप्रोकल लोगो जल्दी आसान आंसर आएगा। ये क्वेश्चन क्लियर है ना? इसको ना उल्टा कर लेना, इसको इसको भी, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है यहां तक? ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री में डाउट, क्वेश्चन नंबर फोर ने दिया था, और डाउट बोलो इसमें, कौन सा? ये क्वेश्चन 15th करते हैं। 15th के अंदर एक स्लैब ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल है, कंडक्टिंग नहीं है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो टी गिवन है आपको, थिकनेस गिवन है, इज इंट्रोड्यूस बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाल दी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हैज टू बी इंक्रीज्ड बाय इतना टू रिस्टोर द कैपेसिटी टू ओरिजिनल वैल्यू, तो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट निकालना है। मुझे एक बात बताओ, जब मैंने डायलैक्ट्रिक स्लैब नहीं डाली थी तो ये कैपेसिटी थी? जब डायलैक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी वन माइनस वन बाई के। डायलैक्ट्रिक स्लैब डालने से कैपेसिटी बढ़ जाती है। वो ये कह रहा है कि मैंने डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मीटर से बढ़ा दी, इससे डिनोमिनेटर बढ़ गया और ओवरऑल कैपेसिटी गिर गई और किसके इक्वल आ गई? जितनी वो ओरिजिनल थी। अगर मैं ये ना लेता कैपेसिटी बढ़ गई थी, इसके लेने से कैपेसिटी बराबर हो गई। तो बस इन्हें इक्वेट कर लो, थिकनेस आपको पता है, ये कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करके सीधा आंसर 8 आ जाएगा। समझ में आ रहा है यहां तक? कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा? क्लियर है? सुनना ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। इस क्वेश्चन में करेक्शन है, टू स्फीयर्स ऑफ रेडियस आर वन आर टू रिस्पेक्टिवली आर चार्ज टू सेम पोटेंशियल एंड जॉइंड बाय अ वायर, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो निकालनी है, लास्ट टाइम भी किया था। अगर स्फीयर्स का पोटेंशियल सेम है तो यहां से चार्ज की रेशियो आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर्स का क्या होता है? 1/4πε0q1r1² q2r2² डिवाइड करेंगे तो रेशियो आएगी। यहां से q1/q2 ये पुट करेंगे यहां पे तो ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो पहले v इक्वेट करके q1 q2 की रेशियो, फिर e1 और e2 को डिवाइड करके आंसर आएगा। ठीक है यहां तक? क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? और नेक्स्ट 18th क्वेश्चन में डाउट, इसका आंसर ना करंट आ रहा है, चार्ज नहीं है, करंट है। कैसे करना है? x का फॉर्मूला दे रहा है, ये कह रहा है ये आइडेंटिफाई करो क्या है, ये मेंस में वो क्वेश्चन है। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला इससे निकालना पड़ेगा, l तो l है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन बाय चार्ज है, वर्क डन बाय चार्ज एम्पियर टाइम, और टाइम तो टाइम है। इन चारों को यहां पर पुट करना है, सॉल्व करके आपके पास सब कैंसिल करने के बाद a आएगा, a फॉर एम्पियर यानी कि करंट।